सिटी न्यूज झारखंड व पाए झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। गढ़वा एसडीपीओ ने अपराध नियंत्रण को लेते हुए अलर्ट पुलिस पदाधिकारी और स्वर्ण व्यवसायियों के साथ की बैठक। कहा, सभी दुकानदार निडर होकर अपने दुकान में सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगवाएं। अनुमंडल क्षेत्र में स्वर्ण व्यवसायियों के साथ आए दिन हो रहे घटना को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रमोद कुमार केसरी दुकानदारों को पूरी तरह अलर्ट कर दिया है। उन्होंने सोमवार को अपने कार्यालय में अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों और स्वर्ण व्यवसायियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में एसडीपीओ ने स्वर्ण विक्रेताओं से समस्याओं की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने सभी दुकानदारों को चोरी, डकैती और छिनतई जैसी घटना को लेकर उन्हें सतर्क रहने को कहा। उन्होंने सभी दुकानदारों को अपने अपने दुकान के आगे और दुकान के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने, रजिस्टर खोलने, आधार कार्ड लेने, स्थानीय गारंटर खरीदारी के उपरांत खाते में पेमेंट करने, दुकान में आकर सोना चांदी बेचने वाले ग्राहक का नाम, पता और अन्य उल्लेखनीय बातों को फॉर्म भरकर लेने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर ग्राहक अकेले सोना चांदी बेचने आते हैं तो उनके घर वालों को सूचित करें और ध्यान रहे कि बालिक से ही सोना चांदी के आभूषण की खरीदारी करें। उन्होंने पुलिस का नंबर दुकान के आगे लिखवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही सभी बैंक कर्मियों, सीएसपी संचालक और पेट्रोल पंप के संचालकों के साथ बैठक की जाएगी। बैठक में भवनाथपुर पुलिस निरीक्षक चंदन कुमार, नगर मुटारी थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार, रमुना थाना प्रभारी सुधांशु कुमार, खरौंदी थाना प्रभारी अभय कुमार, हरिहरपुर ओपी प्रभारी शौकत खान, अभय कुमार, अनुराग सोनी, धनंजय सोनी, लालमुनि सोनी, जगू सेठ, लल्लू सेठ, राजू सोनी, वीरेंद्र सेठ, ब्रंद सेठ, राजेंद्र सेठ सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज पुलिस अधीक्षक गढ़वा महोदय के निर्देशानुसार पूरे नगर उटारी अनुमंडल में जितने भी स्वर्ण व्यवसायी थे, आज उनके साथ एक मीटिंग किया गया है। मीटिंग में कई निर्देश भी दिया गया है सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से, और कुछ समस्याएं स्वर्ण व्यवसायियों की तरफ से भी आ रही थी, उसको लेकर हम लोगों के द्वारा मीटिंग किया गया। मीटिंग में मुख्य रूप से सोना चांदी खरीद बिक्री को लेकर और दुकान में सीसीटीवी लगाए जाने को लेकर प्रॉपर तरीके से पुलिस और स्वर्ण व्यवसायियों में जो सहयोग है, आपस में सहयोग के रूप में, क्योंकि चोरी की घटना होने पर स्वर्ण आभूषणों की चोरी होती है, उसमें कहीं ना कहीं लोग बेचने के लिए स्वर्ण व्यवसायियों से संपर्क करते हैं, तो उन सभी मानकों को लेकर आज यहाँ बैठक किया गया है और यह बैठक में उन सभी बातों पर ही निर्देश दिया गया है।